शिट नहीं, अबे रुक रुक भाई, ये करो बॉय। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आ चुकी हूँ फिर से ग्रैनी थ्री के नाइटमेयर मोड के साथ, और आज मैं करने वाली हूँ इसमें भाई, बहुत ही टफ है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमेशा मैं इजी मोड में प्ले करती हूँ गेम को, और आज मैं खेलने वाली हूँ इस गेम को नॉर्मल मोड में भाई, वो भी नाइटमेयर मोड में। पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता कि पूरा फुल गेम प्ले खेल पाऊँगी या नहीं, तो वीडियो को पूरा देखना यार। और फटाफट से मैंने यहाँ से लॉक पिक उठा लेती हूँ जल्दी से। अरे आजा। ओके, तो हमेशा चूहा भाई स्टार्टिंग में ही आ जाता है भाई यहाँ पे, तो फटाफट से ओपन करके निकलते हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता नॉर्मल मोड में मैं कैसे इसको गेम को कंप्लीट करूँगी, मेरे को तो अभी से डर लग रहा है सोच सोच के, क्योंकि मैं इजी मोड में भी भाई जैसे तैसे पार कर लेती हूँ बस बड़ी मुश्किलों से। ये चूहे की वजह से आवाज़ हो चुकी है यहाँ पर, तो अब मैं ऊपर तो जा नहीं सकती बिल्कुल भी, तो ग्रैनी आती होगी तो मैं चलती हूँ फटाफट से नीचे और छुप जाती हूँ यार, मेरे को लग रहा है डर, वो भी नॉर्मल मोड है भाई मेरे लिए तो भाई बहुत खतरनाक है, ऊपर से नाइटमेयर मोड हो रहा है, तो मैं यहाँ नीचे और ज़्यादा आवाज़ करवा दी है ताकि ग्रैनी यहाँ पे नीचे जाओ मेरे को पता चल जाए, और देखते हैं भाई नॉर्मल मोड में कितनी देर में आते हैं ये। मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई, पता नहीं क्या होने वाला है आज, तो अभी तक तो आई नहीं है शायद। अरे आ गई, अबे यार कैसे चल रही है ये भाई, फास्ट लग रही है यार पहले से तो। ओ ग्रैंडपा भी, अरे भाई डर लगता है भाई, ग्रैनी ग्रैंडपा साथ में, चलो थैंक गॉड कि ग्रैंडपा नीचे आ चुका है। अब मैं फटाफट से ऊपर जाती हूँ और जल्दी से काम करती हूँ भाई। तो ये मैं आज खेल रही हूँ थर्ड प्रीसेट, और मैं फिर से डोर स्केप करने वाली हूँ। अगर आपको फर्स्ट प्रीसेट में डोर स्केप देखना है इजी मोड में, तो आप फटाफट से मेरी वीडियो को जाके देखो, मैंने इजी मोड में प्ले किया है और बहुत ही इजी प्रीसेट था। अभी थर्ड प्रीसेट भी बहुत इजी है, मैं डोर स्केप कर रही हूँ आप देख लेना अच्छे से, और इसको फटाफट से ओपन करते हैं। क्रैकिंग तो भाई हर फ्लोर पर क्रैकिंग है, तो ग्रैनी ऊपर आती होगी जल्दी जल्दी से, फ्यूज़ को यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, तो भाई मैं ऊपर से जाऊँगी, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि नॉर्मल मोड भाई मैं बार बार बोलती रहूँगी मेरे को लग रहा है इस गेम में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हाँ, एक तो इतना भयानक नाइटमेयर मोड, वैसे मेरे को इतना डेंजर लगता है, और ऊपर से नॉर्मल मोड भाई खतरनाक। अब आराम से बस मैं गिर ना जाऊँ। ओ बे गई, अरे नहीं नहीं बच गई बच गई, मुझे लगा कि मैं तो मर गई पूरी, अभी से ही डे वन ख़त्म हो जाता तो मेरा क्या होता। थैंक गॉड यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि ग्रैंडपा तो बाहर आ सकता था। ओ ये चूहा देखो कैसे जा रहा है चलो भाई फटाफट से मेरे को आइटम्स ढूंढने हैं, और जल्दी जल्दी मेरे को ये गेम कम्प्लीट करनी है जितना जल्दी हो सके। और भाई अभी से मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा है भाई इस मोड में यार, म्यूज़िक देखो जरा, म्यूज़िक बिल्कुल चेंज है और बहुत ही स्कैरी जैसा है, बहुत ही डरावना है। एक तो वैसे ही नाइटमेयर से इतना डर लग रहा है, इसको ओपन करना पड़ेगा, बस यहाँ पे ग्रैंडपा ना हो भाई डर लग रहा है। खोल तो दिया है मैंने ये, कोई भी नहीं है अभी यहाँ पे, कोई भी नहीं आया है। फटाफट से मैं यहाँ से वेपन की ले लेती हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगी वेपन की। अब वेपन की को लेकर हम जल्दी से चलते हैं, यहाँ पर आ तो नहीं रहा ना कोई, भाई बच गई कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं आवाज़ कर देती हूँ ग्रैनी को। तो भाई ये इजी पड़ जाता है कि हर मोड में कि हम ग्रैनी को कहीं भी आवाज़ करके बुला सकते हैं और निकल सकते हैं। बस ग्रैनी यहाँ से ना आ रही हो, ग्रैंडपा ना हो, ग्रैंडपा नहीं हो प्लीज़, अब मुझे यहाँ से निकलना है जल्दी से, एक तो चूहों से बच के रहना है। कोई भी नहीं है, कहाँ है, शायद ग्रैनी वहीं से गई होगी, पर मैं आराम से बैठ के चलूँगी क्योंकि मैं स्टोन भी उठा सकती हूँ इतनी देर में। कोई आया तो नहीं है ना, नहीं, अरे चूहा हट जा भाई, ये मेरे को मरवाएंगे पक्का, और तो कोई नहीं, तो दो स्टोन तो मुझे चाहिए क्योंकि भाई ग्रैनी ग्रैंडपा से बचने के लिए। अरे अबे चूहे ने आवाज़ करवा दी ना, दिमाग ख़राब है यार ये मेरे को क्यों काट रहे हैं। चलो भाई मैं अंदर जा रही हूँ, पता नहीं कोई है कि नहीं, ऊपर ना हो बस कोई प्लीज़, मेरे को ऊपर काम करना है। ओ मेरे को लगता है ग्रैंडपा शायद उधर की तरफ गया, वहाँ पे डोर ओपन है, फटाफट से काम करो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो अब आ जाओ कोई भी, अब तो मैं बच ही जाऊँगी। वेट करते हैं थोड़ा सा, ग्रैनी आती होगी क्योंकि यहाँ पे क्रैकिंग बहुत होती है, तो फिर से क्रैकिंग हो चुकी है और मेरे को बुलाना भी है ग्रैनी ग्रैंडपा, कोई भी आ जाए तो मैं फटाफट से उनको मार के मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी, थोड़ा कम डर लगेगा। पता नहीं कहाँ रह गई फिर से, यहाँ पे क्रैकिंग बहुत ज़्यादा भाई, क्रैकिंग के बाद सुन के मेरे को डर लग रहा है कि बस आ गई तुरंत ही, ये देखो आ गई। अरे भाई रुक, इसके फेस देखो, रुक, चलो बच गई बच गई बच गई। चलो भाई इसको तो शॉट लग चुका है, अब देखते हैं क्या होता है।
एक और दे ही देती हूँ भाई, ये मास। चलो भाई ये तो गिर चुकी है 1 मिनट 30 सेकंड्स के लिए। इजी मोड में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है बस, और कुछ नहीं है। तो अब फटाफट से मेरे को ऊपर से जाना पड़ेगा, क्या पता ग्रैंड पर ग्रैनी के पास आ जाए, उसको अनुभव हो जाए भाई, उसको फील हो जाए कि ग्रैनी लुढ़क चुकी है, तो मैं उसे उठाने चल दूँ। अब मैं यहाँ से जाऊँगी स्टोन लेने फिर से, फिर ग्रैंड पा को मारना बाकी है। ग्रैंड पा को मार दिया ना फिर तो और मज़े आ जाएंगे। उससे उसकी शॉटगन लेनी है, तो स्टोन कहाँ पर है? अब दिख भी नहीं रहे यार, जब इतने सारे दिख रहे थे अब नहीं दिख रहे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। और ये रहा ये रहा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जल्दी लो जल्दी जल्दी, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे आवाज़ कर देती हूँ अगर ग्रैनी। ओ रुक 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 रुक, अरे वो ये क्या था बे यार, ये क्या है यार, ये स्लैंडी ना चुड़ैल ना हमेशा दिमाग ख़राब कर देती है। मेरे को लगा मैं तुम, अरे ग्रैंड पा हमेशा मेरे हाथों भाई यहीं पे इसी जगह पे क्यों मरता है, आप मेरी वीडियो जाके देखो भाई, इसी जगह पर आके मरता है ये। रुक जा, अब ऐसे ही तरीके से मरता है ये, शॉटगन से वापस नीचे। ग्रैंड पा अपने गंदे कपड़ों के साथ नीचे गिर चुका है। अब मैं फटाफट से इसको उठा के लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे जाना है और ग्लास तोड़ना है, वो फटाफट से चलते हैं। अब स्टोन मिल जाए, चलो भाई सामने ही स्पॉन हुआ पड़ा है, वाह क्या बात है, ऐसे ही काम होते रहें, सारी चीज़ें मेरे सामने स्पॉन हो जाए फिर तो गेम 1 मिनट में ख़त्म है। तो चलते हैं फटाफट से। अगर आपको ट्रेन स्केप देखना है ना, ट्रेन स्केप भी जाके देखो भाई, बहुत मस्त है। मैंने उनकी ग्रैनी ग्रैंडपा की ट्रेन जो है मैं यहाँ से ले जा चुकी हूँ इनके घर से, तो आप जाके देख सकते हो, वीडियो बहुत मस्त है। तो ये तोड़ के हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से हमें उठाना है क्रोबार, और इसको लेके चलते हैं फटाफट से। इस बॉक्स को ओपन करना है, 2 बॉक्स ओपन करने पड़ते हैं हमें, तो इसका ऊपर भी मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। ग्रैनी को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ग्रैनी कभी भी आ सकती है। ओ ओ शिट, ओबे मैंने अभी उसका नाम लिया भाई, सामने से ही आ गई, बच गई बच गई बच गई। अब मेरे को छुपना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, बस भाई बच जाऊँ, मैं बच जाऊँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब पता नहीं चलेगा भाई, ग्रैनी पूरी यहाँ तक आए तो पता भी चले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कब जाएगी। मैं हंसती रहती है, बोलती रहती कुछ भी। अबे जा निकल जल्दी यहाँ से, शायद जा चुकी है। ओपन कर दूँ, कर दूँ क्या, ओपन ओपन कर दूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई कब ओपन करूँ। चलो यार इतनी देर तक थोड़ा ना रुकेगी वो, मैं बाहर ही निकल जाती हूँ। अब चलते हैं आराम से देखते हुए। ग्रैनी ग्रैनी, ओ नहीं है नहीं है यहाँ पे, अभी इसको बंद कर दूँगी। अरे बे ग्रैनी का कीड़े वाला, ओ ये स्लैंडरी ना और ग्रैनी का कीड़े वाला ट्रैप भाई, दोनों एक साथ आ गए भाई। अरे नहीं, अबे पीछे घूम गए मैं, ये तोड़ दिया मैं सर। अब ये day 2 स्टार्ट हो चुका है, मेरी बैंड बजा दी भाई ग्रैनी ने, क्योंकि भाई उसी टाइम पर स्लैंडरी ना आ गई थी, उसका ट्रैप भी नीचे था। अरे भाई बहुत ख़तरनाक, मेरे को अब लग चुका है बहुत ज़्यादा डर भाई, सच बता रही हूँ। एक बार मरते के साथ ही ना डर लगना स्टार्ट है। अब क्रोबार को लेके अब मैं रिस्क नहीं ले सकती, यहाँ पे तो नहीं है ना कोई, कोई मत आना प्लीज़ प्लीज़, कोई मत आना, कोई है तो नहीं। अरे अबे हमेशा ही मेरे सामने सिखवा रही है, पर उसने देखा नहीं, अब देख लिया, अब देख लिया देख लिया, पता नहीं किसने देखा है, ग्रैनी ने देखा। अरे ग्रैनी है ग्रैनी है, चलो 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 निकलो निकलो, ये चूहे देखो धुआं पता नहीं क्या ही है इनका यार, बच गई अब इस बार नहीं मरना प्लीज़। अरे ओ ओबे भाई ये स्लैंडरी ना दिमाग ख़राब, ये बड़ा बताती है उसको ग्रैनी को कि मैं यहाँ पर हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा। ये चूहा है, रुक जा रुक जा, इतनी भाई कहाँ इनको रेस लगानी है चूहों को हाँ अब मैं कहाँ जाऊँ, ग्रैनी मेरे पीछे पीछे आ रही है, अब मैं यहाँ पर अब सेफ हूँ। पर मुझे जाना है सबसे ऊपर, वहाँ से जंप करके एक बॉक्स को और ओपन करना है मुझे। ओ ग्रैंडपा तो नहीं है ना इस बार, ग्रैंडपा ना हो प्लीज़, क्योंकि वो शॉटगन उठा लेता है और मेरे को भाई ठोक देगा गोली। ओ कोई नहीं है, चलो भाई बच गई बच गई बस। अरे चढ़ो ना यहाँ से, अरे फिर अटक गई मैं चलो पहुँच गई बस। चलो यहाँ पर मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, अब यहाँ से मेरे को इसमें जंप करना है, इधर एक बॉक्स है उसको ओपन करना है। अरे मेरा पैर टूटेगा ऐसे तो, अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, अच्छा इधर से आराम से ये ओके। तो अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं, और यहाँ से हमें ये मिल चुकी है व्हील, इसको लगाएंगे। मैंने यहाँ पे आवाज़ करने के लिए थोड़ा फेंक दिया है, और इसको
फटाफट से लेके चलते हैं और बैठते हुए आराम से, पता चले ग्रैंडपा यहाँ आ सकता है। अब यहाँ से हम नीचे कूद जाते हैं क्योंकि ये लिफ्ट ऑन ही नहीं है जब तक हम वहाँ जनरेटर केबल नहीं लगाते हैं ना, तो उसके लिए भाई फिर हमें सैड की भी चाहिए होती है, पर अभी करेंगे वो सब काम उसकी तो ज़रूरत है ही, तभी लिफ्ट जो है चालू होती है। अब चलते हैं और ये देखो स्टोन को भी ले लेते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है भाई कहीं से भी। पता नहीं ग्रैनी ग्रैंडपा हाँ क्या हाल करेंगे मेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो डर लग रहा है। चलो भाई चलना तो पड़ेगा ही, आगे देखेंगे जो भी होगा देखा जाएगा, अभी तो जो भी काम करना है ना करते रहते हैं। भाई डर लग रहा है क्योंकि मेरे को सिलेंडर ने ना कुछ ज़्यादा झटके दे दिए। यहाँ पे तो कोई नहीं है ना, ये शेड की लेके ऊपर जाना है मेरे को, सामने से ना, हमेशा मेरे सामने से ग्रैनी कुछ ज़्यादा ही आ रही है। अरे ये खड़ी, ओ अभी तो आराम से खड़ी थी भाई, एकदम से देख लिया इसने मेरे को। अब मेरे को जल्दी भागना पड़ेगा, जल्दी जल्दी, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं रुकती नहीं हूँ, जब मेरे को डर लगता है ना बस भागते रहो भागते रहो। ओ शिट नहीं, अबे भाई इस बुढ़े ने ना ये बता रही, मैं इसकी खोपड़ी तोड़ दूंगी। हाँ मार दिया ये मेरा भाई, थर्ड डे चालू हो चुका है, अब चलते हैं, अब इनकी मैं खोपड़ी तोड़ दूंगी भाई। ग्रैंडपा की तो भाई अभी रुदय का सर ही तोड़ना है, कहाँ है ये, पर संभल के क्या पता ये फिर से मेरा सर तोड़ दे। अबे ओ शिट, ये सारी फैमिली भाई मेरे से क्यों बदला ले रही है। स्लेंडरिना यहाँ, भाई स्लेंडरिना जो गायब होती रहती है उससे मर गई मैं यार, बहुत दिमाग खराब है मेरा, तो मन ही नहीं कर रहा खेलने का बिल्कुल भी यार, सच में नॉर्मल मोड भाई मेरे बस की नहीं है, ये चूहे और मेरे को काट रहे हैं भाई, कोई भी एक बंदा मेरे को छोड़ने को तैयार नहीं है, सबके सब परेशान कर रहे हैं। ग्रैनी आ चुकी, देखो एक मिनट नहीं लगा इसको आवाज़ सुनने में, आ जा इसके तो कान ही बहरे करो पहले तो। चलो इससे छुटकारा मिला, और ग्रैंडपा और स्लेंडरिना से तो मिल ही नहीं सकता भाई, उसका जहाँ मन करता है वहाँ गायब होके स्पॉन होती रहती है और भाई चली जाती है झटका देके बहुत तगड़ा वाला। हद हो गई यार, ग्रैनी ने तो मेरे को दो बार मारा, ग्रैंडपा ने भी मारा और स्लेंडरिना ने भी, चलो ग्रैनी को दो बार मार दिया, ये अपना ना साथ के साथ बदला ले रहे हैं शायद मुझसे, मैं जितनी बार मार रही हूँ। अबे क्या है, चलो अब फटाफट से चलते हैं, स्टोन भी तो नहीं मिल रहे, अब हद हो गई है, हद हो गई, स्टोन गायब, इतनी जल्दी साफ सफाई करते हैं ना ये। ओ मिल गया। चलो ये चमकता तारा दिख चुका है, इसको उठा लो और इनके सर पे फोड़ते हैं अभी, जल्दी जल्दी चलते हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा यार मेरा, मैं इतनी बार मर चुकी हूँ, मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका है सच में। ये चूहे देखो अलग अलग जगह क्या धुआं सा छोड़ रहे हैं पता ही नहीं। कोई ग्रैंडपा को क्या हो रहा है, हमेशा इसी जगह पे मिलता है भाई, क्या बात। चलो भाई इसको सोट दे दिया जाए, अच्छा वाला, इसने मेरी क्या नाम है मेरे सर पे मेरी गुद्दी तोड़ी थी ना, अभी देखो अभी इसकी मैं गुद्दी तोड़ती हूँ अभी, ये जल्दी आ जा भाई से पहले कि ये फिर से ठीक हो जाए। अपनी खोपड़ी ऊपर करिए गंजे ग्रैंडपा, चलो भाई टकले ग्रैंडपा को तो गिरा दिया है, अब मज़ा आ गया भाई। चलो अब जल्दी जल्दी चलते हैं, जितना जल्दी हो सकता है ना अपना काम ख़त्म करते हैं, जो शोर मचाने वाले ज़्यादा काम है, तो जल्दी 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 जहाँ जहाँ क्रैकिंग है ना वहाँ का काम निपटाते हैं, पता चले ग्रैनी आगे थपेड़ देगी मेरे को। यहाँ पे है जनरेटर केबल, तो फटाफट से इसको लेके चलते हैं, और शेड की भी लेके आनी पड़ेगी क्योंकि मुझे नीचे किसने मारा था, ग्रैनी ने मारा था शायद, हाँ तो नहीं ग्रैंडपा ने। छोड़ो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं और अपनी शेड की लेके आते हैं, और मतलब सैड की नहीं भाई शेड की है वो। चलो 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 जल्दी जल्दी फटाफट से चलते हैं और यहाँ का काम ख़त्म करके, क्योंकि जनरेटर केबल तो यहीं पर है। अरे यार मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा फिर से, मेरे को डर लग रहा है भाई फिर से ऊपर जाना पड़ा ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्रैकिंग होती है बीच में और ग्रैनी ग्रैंडपा मुझे मार ना दे, मेरे पास बिल्कुल अंतिम रात होगी, मतलब बिल्कुल लास्ट डे होगा यार, मैं क्या करूँ मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा तो बहुत बुरा हाल हो चुका है यार। नॉर्मल मोड में मैं अपने इजी मोड में ही ठीक हूँ भाई। चलो भाई, अरे ओ भाई बस नहीं, ओ शिट यार, अभी देखो मैं पूरा आगे जा रही थी, इसने मेरे को फिर मार दिया है, और ये मेरा लास्ट डे स्टार्ट हो चुका है भाई, अंतिम डे ही आ गया। अब बस मुझे इसको लगा के ना बस ऊपर वो ऑन करके आना है भाई, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ रहा है, बीच में अगर मेरे को मार दिया ना मैं तो गई भाई, फिर नहीं हो पानी मेरे से ये पूरी गेम कम्प्लीट। बस अब देखते हैं यार क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता, इतनी बार तो मर चुकी हूँ मैं, लास्ट डे है ये मेरा,
उसके बाद ये मेरे को ग्रैनी ग्रैंड पर पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे, वो तो मुझे भी नहीं पता। ओह ग्रैनी वहाँ पर जा रही है, चलो भाई ग्रैनी वहाँ पर जा रही है, क्या करने जा रही है। ओह बे स्लेंडर डायन कहीं की, ये तो दिमाग ख़राब है पूरी। चलो भाई ग्रैनी वहाँ पर है, इसको उठा लेते हैं, मेरे को स्टोन नहीं मिल रहा यार, स्टोन मिल जाता तो सही रहता। ग्रैनी आ रही है, ग्रैनी आ रही है, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ ओ ओ ओ पीछे है मेरे पीछे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। बस चलो भाई ग्रैनी से बच चुकी हूँ मैं। जिस चीज़ का मुझे डर था कि ऊपर क्रैकिंग होगी, ऊपर जाना है मुझे लास्ट बार, उसके बाद कंप्लीट है सब गेम, मतलब पूरी कंप्लीट गेम हो जाएगी मेरी। अब बस ग्रैंड पा ना मिल जाए, बस प्लीज़ रास्ते में ग्रैंड पा ना मिले, बस प्लीज़ 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 मैं कोई पार करनी है, बस लास्ट डे है और कुछ भी नहीं करना मुझे। बस नहीं है यहाँ पे ग्रैंड पा, थैंक गॉड यार बच गई मैं। ये देखो यहाँ से ये ग्रीन लाइट हो चुकी है, डोर ओपन हो चुका है, अब मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं लग रही है इतनी ज़्यादा, पर अब भी कुछ भी हो सकता है, क्या पता यहाँ से मैं ढंग से ना जंप कर पाऊँ। ग्रैंड पा भी नहीं है यहाँ पे, चलो यार अब मैं ऊपर से ही जाऊंगी भाई, नीचे से रिस्क नहीं लेना। ग्रैंडपा मुझे, अरे बच गई बच गई बच गई बच गई, थैंक गॉड यार मैं बच गई। 5 दिन बाद मैं यहाँ से स्केप कर पा रही हूँ भाई, क्या बात है यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। देखो यार प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना भाई, मैं नॉर्मल मोड में बहुत परेशान हो गया, मैंने जैसे तैसे गेम पार की है, ग्रैंड पा नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये फाइनली मैंने यहाँ से स्केप कर लिया है यार, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। ओ ये ग्रैनी ग्रैंड पा ने आज मेरी खूब बैंड बजाई, यहाँ तक कि ये भूतनी स्लेंडरना ने भी, भाई हद हो गई यार। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।